हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। मैं हूँ रिमी। आई होप आप सब ठीक है और अभी सब घर पे है। इस वीडियो पे आप देखेंगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रॉड बॉर्डर डिज़ाइन। इसको मैंने पुरानी ड्रेस के बॉर्डर पे किया है। आप चाहे तो कोई भी साड़ी या फिर कोई भी ड्रेस के बॉर्डर पे भी कर सकते हैं। एक्चुअली लॉकडाउन के वजह से मेरे पास ज़्यादा कपड़ा भी नहीं है, तो मैंने पुरानी ड्रेस के बॉर्डर पे किया है। आप भी कोई अपने पुराने ड्रेस के ऊपर कर सकते हैं, बट पुरानी ड्रेस के ऊपर करने से पहले उसके ऊपर अच्छे से प्रेस कर लीजिए, उसके बाद ही पेंट कीजिए। और अगर आपको इस बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनर दुपट्टा की डिज़ाइन पसंद है, तो इसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन पर मैं दे दूँगी, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ आउटलाइन कर लेना है। आप देखिए, यहाँ मैंने पहले पेंसिल से एक हल्की सी आउटलाइन कर लिया है। और कलर के लिए हमें यूज़ करना है फेविक्रिल के एक्रेलिक कलर। अगर आपके पास ये कलर नहीं है, कोई बात नहीं, आप कैमल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखिए, मेरी एक कलर मेरे बेटे ने ये तोड़ दिया, और अभी मेरे पास लॉकडाउन की वजह से मार्केट नहीं जा पा रही हूँ, तो कलर भी नहीं है। अब ये हुआ तो इसके क्या किया मैंने, इससे थोड़ी कलर प्लेट में एक ले लिया है कलर, बट ये थोड़ी सी ड्राई हो गई है क्योंकि इसकी ढक्कन फट चुकी है। अब यह हमें बॉर्डर की डिज़ाइन करना है। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ राउंड ब्रश, 0 नंबर की राउंड ब्रश। अगर आप इस डिज़ाइन को और थोड़ी ब्रॉड चाहते हैं, तो आप 4 नंबर या 6 नंबर की राउंड ब्रश भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये बहुत ब्रॉड नहीं बना रही हूँ ये लाइन्स, क्योंकि इसके ऊपर हमें फ्लावर भी बनानी है इसलिए। और ये कलर मैं यूज़ कर रही हूँ टर्क्वाइज ब्लू। अब अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग कलर चूज़ कीजिए। और ये टर्क्वाइज ब्लू मेरी पर्सनल बहुत फेवरेट शेड है। इसको मैंने ऑलमोस्ट सारे ड्रेस के ऊपर इसको ट्राई करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। मार्केट में आपको इसके बहुत अच्छे अच्छे कलर मिल जाएगी एक्रेलिक कलर की, फेविक्रिल हो या कैमल। मुझे पर्सनली फेविक्रिल ज़्यादा पसंद है कैमल से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, ये पतली है और कलर करने में बहुत आसान होता है। कैमल थोड़ी थिक लगती है मेरी, मुझे लगती है कैमल, इसलिए मैं वो ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। कैमल कभी कभी कर लेती हूँ, बट उसके कोन बहुत अच्छा है। 3D आउटलाइनर जो होते हैं वो कैमल के बहुत पसंद है मुझे, वो मैं उसका यूज़ करती हूँ। और अगर आप कोई सिल्क ड्रेस के ऊपर इस डिज़ाइन को करना चाहते हैं, तो आप पार्ल मेटालिक कलर से कर सकते हैं। पार्ल मेटालिक कलर कोई भी सिल्क के ऊपर आप कर सकते हैं, या फिर कॉटन के ऊपर भी आप कर सकते हैं, बट ये नॉर्मल ये एक्रेलिक कलर से आप सिल्क कोई भी सिल्क के कपड़े के ऊपर इसको नहीं कर सकते हैं। वो स्पेशली सिल्क मतलब वो सारे फैब्रिक के ऊपर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वो थोड़ी शाइनी है, उसकी ग्लिटरी शाइन है उसके अंदर, थोड़ी थिक है, बहुत अच्छा है वो कलर भी। बट अगर आपके पास अभी नहीं है, तो लॉकडाउन के बाद ही आपको उसको लाना पड़ेगा। अब यहाँ हमें फ्लावर की पेंटिंग करना है। पहले एक छोटी सी सर्कल बनानी है, इसके साइड पर हमें फ्लावर की सारी पत्ती को बनानी है। अगर आप इससे और भी थोड़ी बड़ी फ्लावर बनाना चाहते हैं, तो आप इसकी पत्ती को और ज़्यादा बड़ा बनाइए, और सेंटर पे जो राउंड है उसको थोड़ी और बड़ी बनानी पड़ेगी आपको। और सेम प्रोसीड्योर अगर आप थोड़ी छोटी बनाना चाहते हैं, तो इससे थोड़ी छोटी आपको पहले सर्कल को बनानी है, और इतना ज़्यादा पत्ती मत बनाइए, तो फिर आपकी फ्लावर छोटी बन जाएगी। अब यहाँ मैं ये ड्रेस के नीचे कर रही हूँ ये बॉर्डर, ये डिज़ाइन, तो मेरी ये फ्लावर मेरी 3 बनेगी, इससे ज़्यादा नहीं हो रहा है। मैं कलर में कभी भी मीडियम यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे बोलते हैं कि मैं कभी मीडियम यूज़ नहीं करती हूँ। आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, बट ये कलर बहुत अच्छी है, ये बहुत थिक नहीं है, तो मीडियम यूज़ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और आफ्टर वॉश ये कलर कुछ भी नहीं होता है, फिर भी आपको कोई डर लगता है, तो आप मेरी 2 वीडियो हैं, आप उसको देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, कैसे ड्रेस को मेंटेन करना है आफ्टर पेंटिंग। ये सारी पेंटिंग मैं अपने खुद के ड्रेस के ऊपर करती हूँ, सो डोंट वरी। यहाँ एक
को छोड़ के हमें एक को पेंट करना है, ये फ्लावर की पेंटिंग देखिए। और कलर के लिए मैं वाइट कलर यूज़ कर रही हूँ और फिल्बर्ट ब्रश। अगर आपके पास फिल्बर्ट ब्रश नहीं है कोई बात नहीं, आप नॉर्मल राउंड ब्रश से भी ये कर सकते हैं। ब्रश को प्रेस कीजिए, प्रेस करके आपको ब्रश को थोड़ी घुमा के क्लॉकवाइज हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा के आपको पीछे की तरह लाना होगा, आपकी फ्लावर बन जाएगी। और अगर आप राउंड ब्रश से करते हैं तो कोई बात नहीं। अब यहाँ जो हमने एक छोड़ी थी तो उसको हमें कलर करना है, इसके लिए मैं पिंक कलर यूज़ कर रही हूँ। अब अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग कलर चूज़ कीजिए। इस बॉर्डर के ऊपर मैं ज़्यादा कलर यूज़ नहीं कर रही हूँ, एक्चुअली मेरे पास अभी ज़्यादा कलर है भी नहीं, सारे शॉप बंद है अभी, अभी आप ऑनलाइन भी परचेज नहीं कर सकते, तो इसलिए आप अपने ड्रेस के ऊपर या साड़ी के ऊपर इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। ये इतना बॉर्डर, ये बहुत हेवी है, एक गॉर्जस हेवी लुक, अगर आपको पसंद है तो इस डिज़ाइन को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अब यहाँ सेम हमें पिंक कलर से ये देखिए ऐसे फ्लावर बनानी है। पहले जो है वो थोड़ी लंबी होगी और उसके साइड पे दो वो थोड़ी छोटी होगी, जैसे ये थोड़ी लंबी है, अब इसके साइड पे देखिए ये थोड़ी छोटी होगी। ड्रेस को मेंटेन करने के लिए आपको कभी भी ड्रेस को आप मशीन के वॉश मत कीजिए, मशीन वॉश आप नॉर्मल हैंड वॉश कीजिए, और फिर ड्रेस के पेंट के ऊपर कभी स्क्रब मत कीजिए। ड्रेस के बैक साइड पे आपको प्रेस करना है, कभी भी इसके ऊपर मत प्रेस कीजिए, कभी भी नहीं। और बहुत ज़्यादा धूप अगर बहुत ज़्यादा है तो उसके ऊपर डायरेक्ट आप धूप में ना दें, आप उल्टा करके देख दे सकते हैं या फिर आप जहाँ धूप कम है वहाँ दे सकते हैं। बहुत आसान है इसको मेंटेन करना, तो कर सकते हैं। और हैंड पेंटिंग ये बहुत खूबसूरत है, इसके एक यूनिक लुक है। अभी मार्केट में बहुत सारे अब सारे डिज़ाइन हैं, आप खरीद सकते हैं, बट ये आप कभी भी नहीं खरीद सकते, ये आप खुद बना सकते हैं अपनी ड्रेस के ऊपर, बहुत यूनिक है। और देखिए अब कितनी खूबसूरत भी है। अब इसके अंदर हमें वाइट कलर से, अब देखिए सेम हमें पट्टी बनानी है वाइट कलर से। देखिए वाइट कलर के बाद ये फ्लावर कितनी खूबसूरत लग रही है। अब इसके सेंटर पे एक छोटी सी डॉट, अब यहाँ हमें छोटी छोटी सर्कल बनानी है ऐसे, ये सारे गैप में हमें कर लेना है। इसके लिए हमें फिर से यूज करना है राउंड ब्रश 0 नंबर की। আর যদি তোমরা বাঙালি হও তাহলে আমাকে বাংলাতে কমেন্ট করতে পারো, কি জানতে চাও আমাকে বলতে পারো, কোনো ব্যাপার না, কমেন্টে লিখতে পারো। আর ভিডিওকে স্টার্টিং পে আপ যো দেখ রহে থে মেরে পিছে ওয়াল পেন্টিং, আগর আপকো ও ওয়াল পেন্টিং পছন্দ হে তো আপ উসকো ভি দেখ সকতে হে, লিঙ্ক উপর আই বটন কে পে আপ অভি ক্লিক করকে ভি দেখ সকতে হে, ইয়া ফির ডেসক্রিপশন পে ভি লিঙ্ক হে, আপ উসকো ভি ওয়াহা ক্লিক করকে দেখ সকতে হে। আব ইসকে সেন্টার পে হামে पिंक कलर से डॉट करना है। अब देखिए यहाँ मैं लिप्स में बना रही हूँ, ये तो नहीं सोचा था कि लिप्स बनाऊंगी ऑनेस्टली बोल रही हूँ, बट ये बनाने के बाद देख रही हूँ ये थोड़ी खाली खाली लग रही है, तो मैं इसके ऊपर लिप्स बना रही हूँ। अगर आपको इतना हैवी पसंद नहीं, क्योंकि सबके चॉइस अपना अपना होता है, कोई बात नहीं, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, या फिर आपको ऐसे ये हैवी लुक पसंद है तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फ्लैट ब्रश, अगर आप फ्लैट ब्रश से कंफर्टेबल नहीं है कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, आप राउंड ब्रश से भी ये कर सकते हैं, है ना, बहुत ही आसान। तो अगर आपको इस वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन। और अगर आपको देखना है कि मैं दिन भर क्या क्या करती हूँ, मैं कितना काम करती हूँ दिन भर, तो इसके लिए आपको मेरी ब्लॉग की चैनल को देखना पड़ेगा, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, एक वीडियो की लिंक, तो आप उसको ज़रूर देखिए, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी उसको एक बार ज़रूर देखिए, बट वो बंगाली में है क्योंकि मैं बंगाली हूँ इसलिए। और यहाँ मैं सेरुलियन ब्लू कलर से
यहाँ देखिए अब, बट कोई बात नहीं, अगर आपके पास सेरुलियन ब्लू नहीं है कोई बात नहीं, आप पिंक के ऊपर व्हाइट कलर से कर सकते हैं और व्हाइट के ऊपर पिंक कलर से ये डिज़ाइन कर सकते हैं। अपने ड्रेस के ऊपर इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर। अब यहाँ छोटी छोटी डॉट्स करना है क्योंकि इस बॉर्डर को और भी खूबसूरत लुक देने के लिए। छोटी छोटी डॉट्स, कोई मार्किंग की ज़रूरत नहीं है। अब ये डिज़ाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, है ना बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून नेक्स्ट माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।